हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस कपड़े में से अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना बताएंगे जो लॉन्ग में गाउन की तरह बनेगी। तो इसमें से हम आपको गाउन की कटिंग बताएंगे। तो देखिए, ये हमारे पास फैब्रिक 4 मीटर है, तो 4 मीटर में से ये देखिए निकालेंगे इसकी, देखिए इस तरह से। तो देखिए इसकी विड्थ जो चौड़ाई इसकी 42 इंच है, तो ये इसका अर्ध है जो, और इसकी लंबाई ये 4 मीटर का कपड़ा है। तो अब हम पहले इसे बिछा लेते हैं। ये हमने कपड़ा कट करके टॉप पार्ट का निकाल लिया अलग से उसमें से। तो ये पहले हम इसकी लंबाई देखेंगे, जो जितनी लंबाई है उसमें से जो हमें लेना है तैयार लंबाई। तो देखिए इसकी हम 15 इंच इसकी चोली की टॉप की ये तैयार लंबाई रखेंगे। तो 15 इंच ये हमने ले लिया, और 1 इंच हम इसे सिलाई मार्जिन के लिए, तो हम इसे 16 से निशान लगाएंगे, और इन निशानों को पहले हम सीधा कर लेंगे, इस तरीके से सीधा कर लेंगे। कि आप इसमें शोल्डर जो भी ये जो तीरा बोलते हैं इसे लेना है, तो तीरा हो तो वो आप ले सकते हैं। जैसे हमारा 12 है तो हम इसे 6 पर निशान लगाएंगे, पर क्या है कि ना जो हम डीप गला बनाते हैं उसके लिए हम तीरा कम कर देते हैं। यहाँ कम करने से हमारा जो कंधे हैं वो गिरते नहीं हैं, कितना भी डीप गला बना लें आप तो कंधा हमारा गिरेगा नहीं। तो हमें इसी तरीके से इसमें से हम 1 इंच कम कर देंगे, तो ये डबल में है तो इसमें से 2 इंच कम हो जाएगा। तो देखिए हम इस पर 5 से निशान लगाते हैं, देखिए इस तरीके से हमने इसमें 5 पर निशान लगा लिया। और इसमें देखिए जो जो मार्जिन का है तो ये हमारा मार्जिन पूरे में चलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से सेवन इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। ठीक, अब हम आपको बताएंगे सीना जो चेस्ट किस हिसाब से लेते हैं, तो उसका हम 1/4 भाग लेते हैं। आपकी 28 है या 36 है या 38 है तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो उसे 4 से डिवाइड कर, जैसे हम इसे ये 40 के हिसाब से, मतलब 40 है हमारा सीना, तो हम 40 का मतलब 1/4 भाग लेंगे। तो 40 का हमारा हुआ 10, तो ये हमारा 10 पर हम निशान लगाएंगे, और इसमें यहाँ पर 10 पर निशान लगा लिया। अब ये हम सिलाई मार्जिन के लिए, तो इसमें हमने 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ दिया। आपका कपड़ा कम हो तो आप 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। अब यहाँ से हम ये दोनों पल्ले हैं बैक का और फ्रंट का, तो हम यहाँ से इसमें जो देखिए ये 6.5 पर है, तो हम यहाँ से 2.75 पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से अभी ये बैक का लगेगा, तो यहाँ पर जो गुलाई लगाते हैं हम आर्म होल की, तो हम ये 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसे 1.5 इंच पर के बाद इस तरह से सेब पट्टी की मदद से हम इसे इसमें गुलाई दे देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से इसमें हम गुलाई दे देंगे। अब हम इसमें फ्रंट की भी गुलाई देंगे, तो है 1/2 इंच अंदर के लिए। तो देखिए ये 1/2 इंच अंदर के लिए, और जो हमारा ये हो जो फिटिंग की निशान होता है हम वहाँ पर इसे मिला देते हैं, इस तरीके से लंबाई हो गई और इसे हमने फिटिंग का। अब हमें कमर देखनी है, तो जो हमारी कमर का निशान होगा, तो जो हमारी कमर है उसका भी हम 1/4 भाग लेंगे, तो हमारा 36 है, तो हम इसे 9 पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इन निशानों को हम सीधा कर देंगे, जो हमारा फिटिंग का है और जो मार्जिन का है उन निशानों को हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। अब ये निशान तुम्हारे कंप्लीट लग चुके हैं, तो अब हमें देखना है गला कितना बनाना है, तो हम इसे 2.5 से तैयार करेंगे, तो ये 2.75 का रेडी हो जाएगा बन करके। तो देखिए इस तरह से पहले आप निशान लगा लें, जितना भी आपको डीप बनाना है। तो हम आगे का 7 इंच बनाएंगे, 7 इंच पर निशान लगा लिया, और पीछे का हम 9 इंच बनाएंगे।
तो एक हम 9 इंच का निशान लगा लें। तो ये तो फ्रंट का है, तो यहाँ पर हम ऊपर हमने 2.5 लिया है, नीचे हमने 3 लिया और इसका एक बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। देखिए अब आप जो भी इसे जैसा भी लुक देना चाहते हैं या चौकोर गला बनाएं तो इसे चौकोर कट कर लें, और हम आपको ये स्टिचिंग करते वक्त गला बनाना बताएंगे तो गले को नहीं कट करेंगे। तो देखिए इधर नीचे देखते हैं जो 1/2 इंच है, तो इसे हम यहाँ से थोड़ा गोलाई से कट करेंगे। तो जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है इसे हम कट करके निकाल देते हैं और बाकी इसी ड्राफ्ट के अनुसार इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारी कटिंग हो गई, ये हमने कट कर लिया। तो अभी हमारा गला रह गया, तो हम ये स्टिचिंग करते वक्त ही इसे गला बनाएंगे। तो हम जितना डीप बनाएंगे या बुकरम से या आप सिंपल बनाना चाहते हो दोनों तरीके से गले बना सकते हो। तो ये हम स्टिचिंग करते वक्त बताएंगे। अब हम नीचे का घेर का कपड़ा कट करेंगे, तो हम पहले इसे हटा देते हैं, उस कपड़े को बिछाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ये डबल में कपड़ा है, तो ये देखिए इधर बंद साइड है और इसकी खुली साइड है। अब क्या करना है हमको, एक साइड से पकड़ के इसको इस साइड से हमें पकड़ के और सही से कॉर्नर पर बिछा देना है। तो जो हमारा कॉर्नर बनेगा उस साइड को हम पहले बिछा लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमने ये बंद वाली साइड है, ये बंद वाली साइड है और ये 2 बंद हैं और 2 खुले हुए साइड है। तो इस कॉर्नर से हम कमर का निशान लगाएंगे, इस कॉर्नर से कमर का निशान लगाएंगे। पहले हम इसकी लंबाई नाप कर देखते हैं कि हमारे सूट के बराबर इसमें से गाउन के बराबर लंबाई निकलती है, और फिर इसका हम कमर का निशान लगाएंगे। पहले कमर का निशान लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहले हम अपनी जो हमारी कमर है, जो कमर की व्यर्थ है उसे हम नापेंगे। तो हमारी 40 है तो हम इसे 10 से यहाँ पर निकालें, क्योंकि इसमें 1/2 इंच मार्जिन भी हमने लिया है। तो हम यहाँ हमारा 10 आ रहा है तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे एक तरीके से, यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हमें इस कॉर्नर से, देखिए इस कॉर्नर से इसकी लंबाई नापनी है। तो ये यहाँ पर 15 पर निशान आ रहा है, तो जो हमने पहले निशान लगाया था अब इस साइड भी हम नापेंगे। तो हमारा देखें 15 कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है 15, तो हम इसे 15 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब एक इसे रखते हुए यहाँ से हम गोलाई में इस तरह से निशान लगाएंगे, इसकी हमें गोलाई निकालनी है इस तरह, इस कॉर्नर पर उंगली रखते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए इंची टेप को बढ़ाते जाना है और इसकी गोलाई से निशान लगा लेना है। आपकी जो भी कमर हो आप उसी के अनुसार इस गोलाई से निशान लगाएं। अब हम इन निशानों को मिला देंगे। अब देखिए अगर आप नीचे से इसमें मार्जिन दे देंगे तो आपकी कमर बढ़ जाएगी, तो हम आपको मार्जिन ऊपर से इसमें 2 पॉइंट का रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि जब ओरेव कपड़ा कटता है तो वो बढ़ जाता है। तो देखिए इस तरह से इस निशान पर हम कटिंग करनी है। अब हम आपको नीचे की लंबाई देखनी है, तो आपको जितनी लेंथ लेनी है, आपको 40, 45, 50 जो भी आपकी लेंथ हो आप उसके अनुसार निशान लगाइए। तो हम इसकी अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे, तो हम 35 पर निशान लगाएंगे और उस साइड में भी हम 35 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा अर्ज कम था तो हमारे में जॉइंट आएगा, यहाँ पर जॉइंट आएगा। तो जो बचे हुए कपड़े में से हम आस्तीन भी निकालेंगे और यहाँ पर जो जॉइंट आएगा वो हम आपको जॉइंट लगाना कपड़ा कट करके बताएंगे। पहले हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपकी जो लंबाई हो उस हिसाब से हमने इस पर 34 पर निशान लगाया, तो हमारे 34 ये और 15 ऊपर चोली की लंबाई, तो इस तरह से देखिए हम निशान लगाएंगे। तो उस साइड में भी 34 पर निशान लगा दिया, मतलब 34 इंच पर। अब हम देखिए इस कॉर्नर से रखेंगे इंची टेप को और पूरी गोलाई में इसके निशान लगा देंगे। इस कॉर्नर से रखते हुए जो भी आपकी लंबाई है उस हिसाब से
आपको कुलाई में निशान लगाना है, तो हमें निशान लगाने हैं, तो जो भी हमारी कुलाई निकलेगी हम बराबर से निशान लगाते जाएंगे, और इसकी गुलाई ऊपर से हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, बराबर 48 पर निशान, वहाँ तक ये हमारे निशान लग गए, ये गुलाई से ये हमने देखी निशान लगा दी। जो भी आपकी गुलाई हो बिल्कुल आप निशान लगा लें। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा कम है, तो ये जो कपड़ा बचेगा इसमें से हम यहाँ ज्वाइंट लगा देंगे, इसे यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। तो एक बार और समझ लीजिए, ये हमारी कमर का निशान है, जो भी आपकी कमर हो 28, 30, 40 उसी हिसाब से आप निशान लगा लें, और यहाँ से इसे बराबर कर लें। लेंथ लेने के बाद अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्कर्ट की कटिंग हो गई नीचे की, तो इस ये जो हमारा जोड़ आया तो हमने इसे कट कपड़ा कट करके निकाल लिया, इसे स्टिचिंग करते पहले ये इसे स्टिच कर देंगे, तो हमने इसे पिन अप कर दिया इसके ऊपर रख के। अब हम आपको दिखाएं कि जो हमारा टॉप पार्ट है उसे भी हम इस तरह लगा लेंगे, तो देखिए हमारा बराबर भी है और वो एक तरफ ओपन रहेगी ये टॉप, आप चाहें तो दोनों तरफ, नहीं तो एक साइड में। देखिए कटिंग हमारी हो गई, अब हम आपको स्लिप्स की डिजाइन कटिंग बताते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें से हम स्लिप्स की डिजाइन निकालेंगे, स्लिप्स निकालेंगे तो हमारे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा है, तो ये जो हमारा कपड़ा बचा था तो हम इसमें से बैल स्लिप जो के आगे फ्रिल लगा देंगे। तो इसमें से देखिए हम 11 इंच की, इस तरह से हमारे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो हम इसमें से देखिए 11 इंच इसे हम कपड़ा लंबाई ले लेंगे और आगे फिर लग जाएगी 5 इंच की। तो देखिए इस तरह से हमने 11 इंच पर निशान लगा लिया, और जो ये देखिए ये जो कपड़ा है तो मैं इसमें से जो चेस्ट का 1/4 भाग होता उतना इसमें से हमने ले लिया, और बाकी मार्जिन के लिए। तो हम अब इसमें से जो हमारा शोल्डर लिया था आर्मोल, तो हमने 6.5 लिया था, तो हम 7 पर निशान लगाएंगे, और इस तरह से 3 इंच। देखिए कई वीडियो में हमने बताया है स्लिप्स की कटिंग, इसमें हम देखिए डिटेल में नहीं समझा रहे हैं। तो 3 इंच यहाँ से हमने लिया, और इसे जो यहाँ से जो फिटिंग है वहाँ से देखिए इस तरह से निशान लगा दिया, और जो मार्जिन है वो ले लिया, और यहाँ से ये जो आपकी मोहरी हो गुलाई 11 इंच पर, जो आपके बाजू की गुलाई हो उसे ले लें, तो हमारे यहाँ पर 4.5 इंच है, और जी हमारा जो मार्जिन है उसे हमने छोड़ दिया। अब इसी ड्राफ्ट के अनुसार हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए ये स्लिप्स की कटिंग हो गई है, तो अब हमें आस्तीन को इसे हटा देना, और ये जो हमारा स्कर्ट में से और एक जो कटा हुआ कपड़ा निकला था इसमें से हम इसकी फ्रिल बना लेंगे। तो देखिए हमें इसके जो इसकी ये गुलाई है हम उसे यहाँ रख लेते हैं, बहुत आसान तरीका, आपको कोई भी झंझट नहीं करनी होगी, जो जितना मार्जिन है उसे लेते हुए यहाँ रख लें और एक निशान लगा लें इस पर। देखिए बराबर से इधर बंद साइड है और इधर खुला साइड है, तो आप इसी के गुलाई के अनुसार इसमें निशान लगा लें इस तरीके से, और इसकी कटिंग कर दें। तो ये डबल फोल्ड में मतलब इसे फोल्ड करेंगे तो ये फोल्डिंग में इतना दब जाएगा। अब आप नाप करके देख लीजिए कि आपको इतना लगाना है या इससे कम करना है, कम करना है तो इसी गुलाई से आप इसे कम भी कर सकते हैं इस तरीके से, पर इसे डबल फोल्ड करेंगे तो इतना तो इसका मार्जिन में ही चला जाएगा। देखिए इस तरह से हमारी 18 या 19 इंच की रेडी हो जाएगी बन करके। तो हम इस पे से इसे कट कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है इसे कट कर लें यहाँ से। देखिए ये हमारे दो स्लिप बन करके इसकी दोनों की फ्रिल बन करके तैयार हो गए, तो हम इसे इसी तरीके से यहाँ से अटैच कर लेंगे और इसे नीचे से फोल्ड कर देंगे। तो अब चलिए हम आपको स्टिचिंग बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। तो देखिए ये हमारे टॉप पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है स्कर्ट का, और देखिए ये स्लीव्स है, तो इन सबको हम हटा देते हैं, पहले टॉप पार्ट बनाएंगे। तो देखिए टॉप पार्ट को हम मैंने बताया जैसे कि आप अगर बिना बुकरम के बनाना चाहते तो इसे कट कर लें और इसे सादा पट्टी लगा करके फोल्ड भी कर सकते हैं, पर आज हम आपको बुकरम पर गला बनाना बताएंगे। तो देखिए ये हमने बुकरम लिए,
तो देखिए ये 8 इंच चौड़ी है हमारी बुकरम, और लंबाई हमारी जितनी थी तुमने फुल ले ली, जो आपको जितनी चाहिए उतनी कट कर लेना इस तरह से। तो पहले हम आगे मतलब आगे का गला बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए इस तरह जो भी ये सीधी नहीं है तो इसे काट के निकाल देंगे हम, तो वहाँ से निशान लगाएंगे। तो देखिए 7 इंच पर 7 इंच का आगे का गला बनाएंगे, ऐसे हमने निशान लगा लिया। और यहाँ पर आपको देखना है कि कितना चौड़ा आपको गला बनाना है, तो हम इसे 2.5 इंच का गला बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 2.5 पर निशान लगा लिया, ये 2.75 इंच का हो जाता है, आधा इंच सिलाई में चला जाता है, और 7 इंच इसकी लंबाई ली है। तो यहाँ भी हम 2.5 पर निशान लगाएंगे और इसे सीधा कर देंगे। अब यहाँ से इसमें गुलाई देंगे इस तरीके से, ये गोल गला बनाएंगे इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, देखिए 1 इंच पर 1 इंच या 1/2 इंच, मतलब जो भी आप जितनी इसकी चौड़ाई रखना चाहते हो उसी तरीके से निशान लगाएं। हम 1 इंच पर इसका निशान लगाएंगे, तो आप इस तरह से निशान लगाएं, बिल्कुल बराबर आएगा। अब इन निशानों को मिला लें और इसी पर कट कर लें। अब हम नीचे का इसी में से निकाल लेंगे, तो यहाँ से ये कट के निकल जाएगा, तो हम यहाँ से निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से, तो देखिए हम 9 इंच का गला बनाएंगे, 9 इंच, ठीक है 9 इंच का। तो हम 1 9 इंच पर यहाँ निशान लगाते हैं, और देखिए इसकी नीचे की बर्थ हम 3 इंच चौड़ाई रखेंगे, थोड़ा फैला हुआ अच्छा लगता है, ऊपर 2.5 इंच। ये दोनों आपको रखना है बराबर से, याद रखना है कि ये आगे पीछे का दोनों बराबर होना चाहिए इस तरीके से। अब इसे इसको भी इसी तरीके से बनाकर डेप्थ और कट कर लेते हैं। देखिए दोनों, ये फ्रंट का है और ये बैक का है, तो देखिए हमने दोनों को कट करके इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये कपड़े पर जो भी आपके पास कपड़ा लगाना चाहते हो आप, वो हमारे पास ये सूट में का कपड़ा है। तो देखिए इस तरह से हम इस पर, ये तो इस साइड से भी आ जाएगा इस तरीके से, हम इसे प्रेस से चिपका लेंगे। आपकी चिपकाने वाली हो तो आप चिपका लें, और नहीं तो आप इसे मशीन से अटैच कर लें, सिलाई डाल लें इस पर, तो ये चिपक जाएगी। और जो आधा आधा इंच ये मार्जिन है आपको ये देख लेना है इस तरह से, जो आपकी ये बीच की 5 इंच की गहराई है उसे याद रखना है, कि ऐसे फैला के नहीं लगाना है इसे। तो हम पहले से चिपका लेते हैं फिर कट करते हैं। देखिए इस तरह से हमने इस गले को तैयार कर लिया है, इसी तरह से आप इसे पलट दें और इसे कट करके निकाल लें। तो अब इसे हमने बैक का पल्ला है, तो इसे हमने सीधा रखा और इसे भी सीधा रखा है। तो पहले आप इसके, देखिए पहले इसे बराबर से रखिए इस तरह से, और यहाँ पर एक कट लगा लें, इससे कि आपका गला बिल्कुल भी तिरछा ना हो, बीच में कट लगा लें, और फिर इसे इस तरह से सीधा रखें, इसे उल्टा रखना है। तो ये कट और ये कट मिल जाना चाहिए आपका, ये बराबर से। अब यहाँ पर आप पिन लगा लें या एक सीधी सिलाई चला लें इस तरह से। तो देखिए ये सेंटर है तैयार करके बताएंगे, इसी तरह से आप फ्रंट भी तैयार कर लें। तो देखिए पहले आप इसके सेंटर पर निशान लगा लें इस तरह से, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, हम एक ही बार में आपको बनाना बता देंगे इतनी फिनिशिंग के साथ, जो कि आप एक बार में ही इसे रेडी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बराबर से रखते हुए, और इसके सेंटर पर भी निशान लगा लें, गले के सेंटर पर भी निशान लगा लें इस तरह से। अगर थोड़ा भी तिरछा हो जाता है तो गला अच्छा नहीं बनता है, फिनिशिंग के साथ तैयार नहीं होगा। और आज इसमें इसे पिन से अटैच कर लें, पिन से अटैच करने के बाद इस पर इस बुकरम पे नई सिलाई चलानी है। देखिए इस तरह से आपको यहाँ बिल्कुल पास पास में इसकी सिलाई पूरे राउंड में इस पर लगा देनी है, और इसे राउंड में सिलाई लगाने के बाद आपको इसे कट कर लेना, मार्जिन के साथ आधा इंच छोड़ते हुए इसे कट कर लेना।
देखिए इसे हमने कट कर दिया जो कि मादा लेते हुए, अब इसमें जो जो है इसमें आपको कट लगा देना है, यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाना जिससे कि हमें पलटने में दिक्कत ना हो, पूरे में लगा देना। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर देना अंदर के लिए, आप चाहें तो इसका पेस्ट लगा लें तो अच्छे से एकदम पैक हो जाएगा, बढ़िया से फिनिशिंग आएगी। नहीं तो देखिए इस पर इस तरह से बराबर से देखिए इसे अंदर के लिए पलटते हुए आप एक सिलाई डालना, टॉप सिलाई जोड़ के और आप इसे अंदर इस पर तुरपाई कर दें। देखिए फ्रेंड्स ये दोनों नेक बनकर रेडी हो गए, तो अब हमें क्या करना है, इनके शोल्डर अटैच करने हैं और फिर आस्तीन तैयार करनी है। तो पहले शोल्डर अटैच कर लेते हैं। देखिए दोनों शोल्डर अटैच हो गए, अब हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो इसे उल्टा रख लेंगे और देखिए इसको इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से और बराबर से सिलाई डाल देंगे। देखिए ये हमने सिलाई डाल दी इस पर, तो इस तरीके से हमारी रेडी हो गई बनकर। अब हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से रखना है, इस तरह से। तो ये आगे का, ये आपको याद रखना है कि कौन सा किस साइड का है, तो ये आगे का है, तो इसको इस कट से मिलाते हुए और इस पर स्टिच डाल देनी है, इस तरीके से यहाँ से लेकर पूरे में स्टिच डाल देंगे। तो रेडी करते हैं, स्टिच डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स दोनों हमारी स्लीव लग करके रेडी हो गई, इस तरह से हमारी स्लीव आएगी एक। देखिए तो अब हमें क्या करना है कि इनको इसकी फिटिंग लगानी है, तो इसको उल्टा रखना है इस तरह से, उल्टा रखते हुए जो भी आपकी फ़िटिंग हो उसके अनुसार आपको इस पर निशान लगा लेना। तो हमारी फ़िटिंग है उसका इस पर निशान लगा हुआ है, तो इस तरह से देखिए स्लिप्स का बॉटम हमको फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से सिंगल फोल्ड करना है, फिर इसे डबल फोल्ड करके एक सिलाई डाल देनी है। और आपको ये याद रखना है जो भी देखिए यहाँ से जो भी आपकी फ़िटिंग हो, जैसे हमारी ये फिटिंग है निशान लगा हुआ है, तो यहाँ पर आकर जो भी आपकी फिटिंग हो यहाँ पर आकर के बिल्कुल इससे सिलाई जानी है आधा इंच मार्जिन के हिसाब से, इस तरीके से। ये नहीं है कि जो फिटिंग है तो आप इस तरह से सिलाई डालेंगे, नहीं, जो आपकी क्योंकि यहाँ आपकी मोहरी जो आपका नाप है 5 है 5.5 है 6.5 है वो ही लगा हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ आने के बाद आपकी सिलाई आधा इंच मार्जिन से जाएगी इस तरीके से। और इससे डबल फोल्ड में पहला फोल्ड और दूसरा फोल्ड इस तरह से इसे नीचे सिलाई डालकर फोल्ड कर देंगे, इसी तरीके से दोनों स्लीव तैयार कर लेंगे। आस्तीन में हमने इसे फोल्ड कर दिया है, इसे डबल फोल्ड में इस तरह से हमने दोनों को फोल्ड कर दिया और इस साइड हमने इसमें सिलाई डाल दी। तो अब हमें क्या करना है, इसको बराबर से बिछाना है, बिल्कुल बराबर करके, तो सिलाई जो आपकी कमर है उस पर हमारा निशान लगाएगा। तो अब हम नीचे घेर को उठाएंगे, इस तरह से रखेंगे और जो इसमें थोड़ा जो बढ़ जाती है कमर, तो इसमें छोटी छोटी सी अगर प्लेट भी पड़ जाएगी तो आप कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो आधा है इसमें यहाँ पर हमने कट लगा लिया, तो ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से अब आप तो बंद करके अगर लगाना चाहते हो, गुलाई से जोड़ना चाहते हो, तो इस पर भी यहाँ सिलाई डालना, और अगर खुले से जोड़ना चाहते हो तो खुले से भी इस तरह से जोड़ सकते हो। इसको एक को पकड़ेंगे हम यहाँ से, देखिए इतना इसमें सिलाई मार्जिन है, डेढ़ इंच इसमें सिलाई मार्जिन है, तो इतना छोड़ते हुए सिलाई मार्जिन को यहाँ से हम इसे रखेंगे और इसमें अटैच करना शुरू कर देंगे। देखिए ये दोनों सीधे हैं, बाहर उल्टा है, तो इसे यहाँ से हम जॉइंट करते हैं। दोनों को बराबर से रख लेना है और जो सिलाई मार्जिन है उसे छोड़ते हुए यहाँ से डबल करके स्टिच को पक्का कर देना।
अब इसे बराबर बराबर, अगर जो कपड़ा बढ़ रहा है तो इसमें हल्की सी चुन्नट दे देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी और अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएगी, देखने में भी अच्छा लगेगा काफ़ी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस पर ये टॉप पार्ट में जॉइंट हो गया थी। अब हमें क्या करना है, इसमें फिटिंग की एक साइड जो फिटिंग की सिलाई रह गई थी जो इस तरीके से लगाया, तो हम पहले इसमें फिटिंग के ऊपर, ये कपड़ा ज़्यादा भारी हो जाता है तो इसमें पहले देखिए जो फिटिंग है ये इस फिटिंग की कमर तक, तो हमें इस तरह से सिलाई जो हमारी है आस्तीन से लगाना शुरू करेंगे और कमर तक जो हमारी फिटिंग है उस पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब देखिए वैसे तो बिल्कुल सीधी सिलाई है, इसमें कोई वो नहीं है, पर यहाँ जो कमर है उसकी फिटिंग हमें देखनी है और कमर से 2 इंच तक हम इसे सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और फिर हम यहाँ पर इस तरह से कम करते हुए 1 इंच मार्जिन लेते हुए दोनों पल्लों पर सीधी सिलाई डाल देंगे इस तरह से। डायरेक्ट हमें यहाँ से यहाँ तक नहीं लगाना है अपना गेप पर, तो हम इसे इस तरह से उतारेंगे और यहाँ से 1 इंच के मार्जिन से हमें सिलाई एंड तक डाल देंगे। और इसे देखिए कितना घेर हो गया है इसमें, तो अब हमें क्या है कि इसके नीचे की फोल्डिंग करनी है, तो इसी जिस तरह से हमने आस्तीन पर फोल्ड किया था उसी तरीके से हम डबल फोल्ड कर और इस पर सिलाई लगा देंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही हो फोल्ड नहीं होता क्योंकि इसमें और एक कपड़ा है, तो पहले सिंगल फोल्ड करें और उस पर सिलाई डाल दें, फिर इसे डबल फोल्ड कर इस तरह से पलट के फिर एक सिलाई डाल दें, तो एकदम हमारा परफेक्ट फोल्ड हो जाएगा। पर मैंने इस पर देखिए इंटर वो पीको कर दी है, तो आप अगर पीको करना चाहते हैं तो पीको कर लें, और अगर फोल्ड करना चाहते हैं तो हम जैसे बता रहे हैं उसी तरीके से पहले सिंगल फोल्ड कर लें और फिर इसे डबल फोल्ड में स्टिच डाल दें, तो एक इस पर फिटिंग की सिलाई लगाते हैं और फिर आपको फिनिशिंग के साथ दिखाते हैं कि हमारा ड्रेस रेडी हो गया। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई, तो इस तरीके से इसमें फिनिशिंग के साथ हमारी देखिए बेल स्लिप भी तैयार हो गई, और देखिए इसमें इस पर हम हाथ से स्टिच कर देंगे, और देखिए इसमें कितना सारा घेर हुआ है, देखिए इस तरह से बन करके हमारी ड्रेस रेडी हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्लीज़ अगर आपको कहीं भी इस ड्रेस बनाने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको दोबारा बताएंगे इस ड्रेस को बनाने के लिए। और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ और फुल घेर में ये ड्रेस बनकर रेडी हुई है, इसका घेर तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ड्रेस तैयार हो गया।